हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल विद नर्सिंग ऑफिसर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मोल्डिंग। सो मोल्डिंग को डिस्कस करेंगे कि मोल्डिंग क्या होता है इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनी, दैट इज एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मोल्डिंग अकर्स। इसको डिस्कस करेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एंड हाउ इट ऑकर इन द फीटस हेड। सो उससे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे फॉर नोट्स। नोट्स मैं वहाँ पे अपलोड करती हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर के नाम से आईडी है, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक विल बी यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, सो मोल्डिंग को डिस्कस कर लेते हैं। मोल्डिंग क्या होता है कि इट इज़ एन ऑल्ट्रेशन ऑफ द शेप ऑफ द फोरकमिंग हेड व्हाइल पासिंग थ्रू रेजिस्टेंट बर्थ पासेस ड्यूरिंग लेबर। तो जो हेड होता है उसकी शेप में क्या होती है, ऑल्ट्रेशन हो जाती है जब वो लेबर के टाइम पे पास थ्रू होता है थ्रू द सर्विक्स। एंड नॉर्मल कितना ऑल्ट्रेशन होता है, 4 mm का स्कल के जो डायमीटर होते हैं उसमें 4 mm का ऑल्ट्रेशन नॉर्मली देखने को मिलता है। ऑल दो जो हेड होता है उसके अंदर इतना बड़ा और कोई ऑल्ट्रेशन नहीं होता है, और 4 mm का जो ऑल्ट्रेशन है वो देखने को मिलता है। अब स्कल के अंदर क्या क्या होता है, स्कल के अंदर होता है ब्रेन, राइट। स्कल जो इनकम्प्रेसिबल अमाउंट होता है, लेकिन कुछ अमाउंट जैसे ब्लड है या फिर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है तो वो लीक आउट कर जाता है। और लीक आउट करके क्या होता है कि थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड कराता है जिससे कि मोल्डिंग होती है। अब मोल्डिंग क्यों होती है और कैसे होती है, लाइक अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें सर्विक्स, ये सर्विक्स है, ठीक है। अब इसके अंदर ये फीटस का हेड है, इसको बाहर आना है। अब अगर ये फीटस का हेड है इसको बाहर आना है तो क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा वल्वल आउटलेट्स को, स्ट्रेच करके बाहर आने की कोशिश करेगा। जब कॉन्ट्रेक्शंस आएंगी बहुत ज़्यादा, तो जब कॉन्ट्रेक्शंस आएंगे तो ये बाहर आएगा। लेकिन उस टाइम पर क्या होता है कि अगर ये हेड है और सर्विक्स डायलेट होता है 10 cm, और हेड का कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट बाहर आ रहा है ये डिपेंड करता है ऑन दी पोजिशन ऑफ दी फीटस, राइट। लाइक फेस है, ब्रो है, कौन सा पोजीशन है, और फ्लेक्सेशन कितना है, फ्लेक्शन कितना है उसके एटीट्यूड में, जो फीटस का एटीट्यूड है वो फ्लेक्स्ड है या डीफ्लेक्स्ड है, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा डायमीटर बाहर आएगा। तो उस टाइम पे क्या होगा कि इसको हेड को क्या होना पड़ेगा, कंप्रेस होना पड़ेगा। अब अगर हेड का कंप्रेस होएगा तो जो इसके बोन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, और जब बोन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे तो कैसे करते हैं, यहाँ पे सूचर्स प्रेजेंट होते हैं। सूचर्स की वजह से ये ओवरलैप करते हैं, उनको ओवरलैप करने में इजी होता है, और जो साइज़ है वो हेड का थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है, और क्या होता है कि हेड इजीली बर्थ कैनल से बाहर आ पाता है। सो ये होता है मोल्डिंग। नॉर्मली 4 mm का जो मोल्डिंग है वो देखने को मिलता है। अब क्या होता है कि जैसे इसको ये हेड है, हेड जब इंगेज हो जाता है तो ये इशियल स्पाइंस होती हैं। अब इशियल स्पाइन पे क्या है, हेड इंगेज हो गया और हेड को बाहर आना है। ऊपर से क्या होता है कि कॉन्ट्रेक्शंस आती हैं बहुत ज़्यादा। जब कॉन्ट्रेक्शंस आती हैं इधर से क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शंस आती हैं अपर यूट्राइन सेगमेंट से, बहुत सारी कॉन्ट्रेक्शंस आती हैं, और वो क्या करती है, हेड को नीचे की तरफ पुश करती हैं। अब हेड को यहाँ से बाहर आना है, बट ये जो डायमीटर है ये तो अब यहाँ तक आ गया है। अब ये पूरा हेड को बाहर आना है तो इसको थोड़ा सा कंप्रेस होना पड़ेगा हेड को, तभी ये इजीली यहाँ से निकल पाएगा। इसको इजीली निकलना है तो हेड को थोड़ा सा कंप्रेस होना पड़ेगा, इसी कंप्रेस होने को हम बोलते हैं मोल्डिंग। और ये कंप्रेस कैसे होता है, हेड में सूचर्स प्रेजेंट होते हैं, सजाइटल सूचर, देन अलग अलग सूचर्स जो प्रेजेंट होते हैं वो अलाउ करते हैं हेड की जो बोन्स होती हैं उनको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने के लिए, ठीक है। तो ओवरलैप होता है हेड का, बोन्स का ओवरलैप होता है, और हेड जो है मोल्डिंग के अंदर जाता है। नेक्स्ट, अब कैसे, जैसे कि अब मानो ये हेड है, दिस इज जो रेड वाला डायग्राम है वो है हेड का, रेड सर्कल है, हेड है ये, इस पूरे को सर्विक्स से बाहर आना है, राइट। अब इस सर्विक्स, इसको पूरे को क्या होना है कि सर्विक्स से बाहर आना है। देन अभी ये पूरा बाहर नहीं आ सकता, तो क्या होगा, इसकी कंप्रेशन होगी, दोनों साइड से कंप्रेशन हो जाएगी, तो ये थोड़ा सा इसका जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा और ये इजीली इस तरीके से बाहर आ पाएगा, राइट। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है मोल्डिंग। नेक्स्ट, अब ये होता कैसे है, इसका मैकेनिज्म क्या है, तो कंप्रेशन होती है, जो भी इंगेजिंग डायमीटर होता है हेड का उसके अंदर कंप्रेशन होगा विद द इलोंगेशन डायमीटर ऑफ द हेड, जो भी उसके वर्टिकल में डायमीटर होगा वो उसकी तरफ से क्या होगा, कंप्रेशन होगा। नेक्स्ट, इन वेल फ्लेक्स हेड, जब जो वेल फ्लेक्स हेड होता है उसमें क्या होता है, जो लाइक एंटीरियर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन जब होती है तो उसके अंदर एंगेजिंग डायमीटर होता है सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक डायमीटर होता है, उसको कौन कंप्रेस करता है, मेंटो वर्टिकल डायमीटर की वजह से वो कंप्रेशन होता है, दोनों आपस में कंप्रेस होते हैं और जो साइज़ है वो हेड का डिक्रीज होता है और जो हेड है वो बाहर निकल पाता है ना। अब सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक और मेंटो वर्टिकल डायमीटर मैं आपको शो करती हूँ। उससे पहले यहाँ पे क्या लिखा था, फ्लेक्स हेड, इन वेल फ्लेक्स हेड। अब वेल फ्लेक्स हेड क्या होता है,
लाइक ये जो ए वाला डायग्राम है ये डीफ्लेक्स्ड हेड का है, हेड क्या है इसमें डीफ्लेक्स्ड है, और ये वाला जो डायग्राम है बी वाला इसमें फ्लेक्स्ड है हेड, हेड फ्लेक्स्ड है मतलब जो चिन है वो चेस्ट से टच होनी चाहिए, तो वो वेल फ्लेक्स्ड होता है, और इस जब वेल फ्लेक्स्ड हेड होता है तो उसमें सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक डायमीटर है, ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक डायमीटर को शो कर रही है, तो ये जो डायमीटर होता है ये आएगा हेड वजाइना के थ्रू बाहर, और नेक्स्ट जब डीफ्लेक्स्ड हेड होगा तो उस टाइम पे जो डायमीटर बाहर आएगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा, राइट लाइक इसमें आएगा ऑक्सीपिटो फ्रंटल, तो ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर बाहर आएगा डीफ्लेक्स हेड के अंदर, तो ये डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है कि हेड कहाँ से और कैसे मोल्डिंग में जाएगा। लाइक देखो अगर यहाँ पे ग्रेडिंग दी हुई है कि किस तरीके से ग्रेडिंग होती है, तो अगर ग्रेड वन के अंदर क्या होता है कि जो बोन्स हैं वो टच करती हैं, एक दूसरे को टच करती हैं लेकिन ओवरलैप नहीं करती हैं, राइट टच कर देती हैं बट ओवरलैप नहीं करती हैं। ग्रेड टू के अंदर क्या होता है ओवरलैप हो जाती है लेकिन फिर ओवरलैप होने के बाद वो ईजिली सेपरेट भी हो जाती हैं, और ग्रेड थ्री में क्या होता है कि फिक्स हो जाता है, ओवरलैपिंग जो होता है वो फिक्स हो जाता है। तो इसके अंदर क्या है, ये फ्रंटल बोन है, ये फ्रंटल बोन है, ये पैराइटल बोन है, और इनके बीच में सूचर प्रेजेंट है कोरोनल सूचर, तो जब ये मोल्डिंग के अंदर जाएगा तो फ्रंटल बोन या पैराइटल बोन एक दूसरे को ओवरलैप कर देगा, या तो फ्रंटल बोन इसके नीचे चला जाएगा या पैराइटल बोन इसके ऊपर आ जाएगा, तो इस तरीके से ये जब ओवरलैप करते हैं तो सूचर की वजह सूचर चश्मे की हेल्प करता है, तो उसमें ये मोल्डिंग के अंदर जाते हैं, तो इस पर हम ग्रेड को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर बोन एक दूसरे को टच कर देते हैं ठीक है बट ओवरलैप नहीं कर रहे बट टच कर रहे हैं तो वो ग्रेड वन में आएगा, अगर वो ओवरलैप कर रहे हैं और इजीली सेपरेट हो जाते हैं तो वो ग्रेड टू में आएगा। नेक्स्ट अगर वो फिक्स्ड ओवरलैप करते हैं तो वो आएगा ग्रेड थ्री के अंदर। अब नॉर्मल जो था उसमें अभी हमने बात की थी, क्या क्या बात की थी कि जो सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक डायमीटर कंप्रेस होता है विद द इलोंगेशन ऑफ मेंटो वर्टिकल डायमीटर इन इज एट राइट एंगल टू द सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक, राइट तो सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक डायमीटर कहाँ पे होता है, देखो ये 9.5 सेंटीमीटर का ये वाला जो है सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक डायमीटर है ठीक है। अब अगर फीटस इस तरीके से बाहर आएगा कि सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक डायमीटर बाहर आ रहा है पहले जो उसकी वेल फ्लेक्स्ड पोजीशन के अंदर, तो ये वाला पार्ट जब बाहर आता है तो ये कंप्रेस होता है, कंप्रेस इसको कौन करता है मतलब कौन से इलोंगेशन में, लाइक मेंटो वर्टिकल जो ये वाला डायमीटर है ये दोनों एक दूसरे को कंप्रेस करता है 90 डिग्री में, देन हेड क्या होता है मोल्डिंग के अंदर जाता है। नेक्स्ट इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, इसका इम्पॉर्टेंस ये है कि स्लाइट मोल्डिंग इज इनेविटेबल एंड बेनिफिशियल, इट इनेबल द हेड टू पास मोर इजली थ्रू द बर्थ कैनल, ठीक है अगर थोड़ी बहुत मोल्डिंग होती है तो वो ठीक है, क्यों क्योंकि हेड जो है इजली बर्थ कैनल से बाहर आ पाएगा, तो ये हेल्प करता है इसमें। देन अगर बहुत ज़्यादा मोल्डिंग हो जाती है इज अ मीट डिस्प्रपोर्शन में प्रोड्यूस सीवियर इंट्राक्रेनियल डिस्टर्बेंस, अगर बहुत ज़्यादा मोल्डिंग हो जाएगी तो क्या होगा कि बोन एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे, सूचर्स एक दूसरे को मतलब कि टच कर जाएंगे सारे, और सूचर्स की क्या होगी कि कंप्रेस हो जाएंगे, तो बोन जो हेड है उसके अंदर क्या होगा कि जो भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर है उसमें डिस्टर्बेंस आएगी। नेक्स्ट है कि शेप ऑफ मोल्डिंग, अगर हम शेप देखेंगे कि हेड किस तरीके से मोल्ड हुआ है तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस पोजीशन में हेड जो था पेल्विस के अंदर था, जैसे कि अगर वर्टेक्स और फ्लेक्स हेड में अगर वर्टेक्स और फ्लेक्स हेड अगर होगा तो सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक जो डायमीटर वो इंगेज होगा, तो उसमें मोल्डिंग कैसे होगी इस तरीके से जो डॉटेड लाइन दिख रही है, अगर इस तरीके से हेड बाहर आता है, इस तरीके से हेड बाहर आएगा तो हमें पता चलेगा कि जो हेड है वो वर्टेक्स वेल फ्लेक्स्ड पोजीशन में था और सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक ये है, तो ये वाला डायमीटर इंगेज हुआ था, और हेड किस तरीके से आएगा इस तरीके से फीटस का हेड जो है बाहर आएगा, तो ये वेल फ्लेक्स के अंदर। नेक्स्ट है वर्टेक्स है बट डीफ्लेक्स था हेड, हेड जब डीफ्लेक्स था तब कौन सा डायमीटर एंगेज हो रहा है, ये हो रहा था ऑक्सीपिटो फ्रंटल, तो ऑक्सीपिटो फ्रंटल अगर डायमीटर एंगेज हुआ है और बेबी जब फीटस का बर्थ होता है तो और हेड इस तरीके से है ठीक है, इस तरीके से ऊपर की तरफ है ये जो यहाँ पर बना हुआ है, इस तरीके से हेड की मोल्डिंग दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि हेड डीफ्लेक्स था और मोल्डिंग हमें ये शो कर रहा है। इसके अंदर जो डायमीटर है वो ऑक्सीपिटो फ्रंटल इंगेज हुआ था जो कि 11.5 सेंटीमीटर होता है, और जो फ्लेक्स हेड के अंदर डायमीटर इंगेज हुआ था वो होता सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक जो कि 9.5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट अगर फीटस
फेस प्रेजेंटेशन होगी, तो फेस प्रेजेंटेशन के अंदर कौन सा डायमीटर एंगेज हो रहा है, ये होता है सब मेंटोब्रैग्मेटिक, ठीक है, सब मेंटोब्रैग्मेटिक, ये वाला डायमीटर सब मेंटोब्रैग्मेटिक एंगेज हुआ था जो कि 9.5 सेंटीमीटर होता है। अब इसमें जब फीटस का हेड बर्थ कैनल से बाहर आएगा तो वो कंप्रेस किस तरीके से होगा, जो ये डॉटेड लाइन दिख रही है इस तरीके से वो कंप्रेस होगा। तो जब हेड इस तरीके से कंप्रेस होकर बाहर आएगा तो देख के पता चलेगा हमें कि ये फेस प्रेजेंटेशन था, ठीक है। तो मोल्डिंग हमें हेल्प करता है ये भी जानने में कि पेल्विस के अंदर हेड किस तरीके का शेप उसने एंगेज किस तरीके से वो ऑक्यूपाइड था, कौन सा पोजीशन था। नेक्स्ट अगर ब्रो प्रेजेंटेशन में देखें तो मेंटोवर्टिकल, दिस इज मेंटोवर्टिकल जो कि 14 सेंटीमीटर होता है, तो 14 सेंटीमीटर का डायमीटर जब एंगेज है हेड पेल्विस के अंदर, तो पेल्विस कितना डायलेट होता है 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली इसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस होना पड़ेगा, तो हेड इस तरीके से बाहर मोल्ड होकर बाहर आएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मोल्डिंग। तो मोल्डिंग किस किस में हेल्प करता है ये देख हमने इंपॉर्टेंस, ग्रेड, उसके बाद डिफ्लेक्स क्या होता है, फ्लेक्स क्या होता है, देन डायमीटर्स भी थोड़े बहुत देखे इसमें, और उसके बाद मोल्डिंग हेल्प कैसे करता है और कैसे मोल्डिंग होती है, ये सारी चीज़ें देखी। तो मोल्डिंग में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव नॉट।